संविधान बदलने की जरूरत है और महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के मार्ग को छोड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के बताए हुए मार्ग पर चलने की जरूरत है तभी देश सुरक्षित रहेगा तभी देश बचेगा दरअसल यही वो बयान है जिससे लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नाराज हो गई है और उसने महाराष्ट्र करनी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र करनी सेना के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अजय सिंह सेंगर जी हैं जिन्होंने ये बयान दिया हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बयान की जरूरत क्यों थी और क्या वाकई इस पर इतना नाराज होने की ज़रूरत है क्या अजय जी बहुत बहुत आपका स्वागत है टीवी वन इंडिया में आपसे सबसे पहला सवाल यही जानेंगे कि आखिर वो बयान क्या था जिसको लेकर इतना हंगामा बरपा है देखिए मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ़ में कोई विरोध नहीं है कुछ नहीं है ये सब चुनाव की रैली है मेरे खिलाफ़ में जो मोर्चा निकाला है वो चुनाव की रैली है अभी म्यूनसिपलिटी के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और ना मेरे खिलाफ़ में बैनर थे उस मोर्चे के अंदर ना मुझे मेरा पुतला जला गया है उसके अंदर हा? ना मेरे फोटो थे उसके अंदर उसमें हाँ वो एक पार्टी का प्रचार रैली थी उसके अंदर उनको पार्टी को बढ़ाना है कोई ना कोई मुद्दा चाहिए उनको उसके अंदर देश की जनता को भहकवाने के लिए और हमारी जनता कुछ लोग ऐसे है कि उनको ये राजनेता लोग भेंका डालते हैं कि इनके खिलाफ़ मैं ऐसी बात किया उनके खिलाफ़ मैं ऐसे के बात दिया मैंने कभी संविधान का अपमान किया नहीं है संविधान हमें सर्वश्रेष्ठ है लेकिन कुछ कमियां हर चीज़ के अंदर रहती है उसको वो बताना जरूरी रहती है हमें तो हमारे देश के अंदर जो हमारी आज जो हम देखते हैं कि देश के संविधान के अंदर मूल प्रति के अंदर अकबर को महान देश की विरासत देश के महान पुरुष टिप्पू सुल्तान देश के महान विरासत महान पुरुष के रूप में पेश किया गया यह तो सरासर गलत है गलत को गलत ही बोलना चाहिए अगर मैं आ, अगर कोई मुझे बोलेगा कि सेंगर साहब आप गलत बोल रहे तो मैं एक बार नहीं मुझे सौ बार तुम जेल में डाल दीजिए अकबर हमारे देश के महापुरुष नहीं है टिपू सुल्तान हमारे देश के महापुरुष नहीं है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप सिंह जी इन्होंने मुगले के खिलाफ में लड़ाई की है अपनी जान निछावर कर दी है हजारों लोग मरे हैं उन लोगों ने भी हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए है इतिहास गवाह है और ऐसे होने के बावजूद भी अगर अकबर का और टिप्पू सुल्तान का महिमा मंडित हमारा हमारे देश के व्यवस्था के अंदर होता है तो यह सरासर गलत है आप कह रहे हैं कि आप किसी का संविधान क्या विरोधी नहीं है लेकिन आपने कहा कि संविधान को बदलना चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के रास्ते पर चलना चाहिए आखिर क्यों ऐसा कहने की जरूरत क्यों आई आपको देखिए मेरे कुछ स्टेटमेंट तोड़ मरोड़ कर मीडिया ने पेश की है आ, मैं उसकी पहले निंदा करता हूं मुझे देश के संविधान के प्रति आदरी है और आदरी रहना चाहिए फिर वो तो देश के पहले कानून मंत्री बाबा साहेब आम्बेडकर इनके प्रति भी मेरा आदरी है और मैं चाहता हूँ कि देश को आज़ादी ये क्रांतिकारों से मिलती है और हमारे हिंदु स्वराज्य निर्माण करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप पेशवे हो गए और दुर्गादास राठौड़ हो गए मंगल पांडे हो गए इधर भगत सिंह हो गए इन लोगों ने जो अपनी प्राण निछावर कर दिया इनका मार्ग से चलना बहुत जरूरी है अहिंसा से देश को आज़ादी नहीं मिलती है गांधी मार्ग से देश को आज़ादी नहीं मिली है और हमें आज़ादी क्रांतिकारों से मिली है नाइन्टीन नाइनटीन में हमारा देश आज़ाद हो गया आज़ादी के बाद में हमें लगा कि हमारे देश का विकास हो जाएगा हमारे देश की अगर न्यू देखते हैं तो सबसे पुराना राष्ट्र पाँच हज़ार साल का इतिहास है और तीन सौ साल का अमेरिका आज कहाँ से कहा चला गया स्विट्जरलैंड कहाँ से कहा चला गया तुम चीन को देखो जर्मनी जापान को देखिए ये विकास कर रहे हैं और हम बाबा आदम के जमाने में जा रहे हैं यहाँ पे कि आदरणीय डॉक्टर ने कहा समय सीमा तय की है और मेरिट को कुचला जा सकता है जिस देश के अंदर गुणवत्ता अगर कुचल जाए तो वो देश विकास नहीं करेगा देश का भकास हो जाएगा वो देश बर्बाद हो जाएगा उसके अंदर आज वही हो गए हर साल दस लाख लड़के आज जो गुणवत्ता प्राप्त है जो मेरिट के लड़के हैं हमारे देश छोड़ के अमेरिका इंग्लैंड चीन जापान इस राष्ट्र के अंदर नौकरी करने के लिए जा रही है मुझे बहुत खेद महसूस होता है कि क्या चल रहा है हमारे देश के अंदर देश में अस्सी प्रतिशत पचासी प्रतिशत हिंदू रहता है हिंदू को सबसे बोले तो दुयम अधिकार इस देश के अंदर और ये मेरा ये ये जो मेरी जो लड़ाई है समान हक समान अधिकार और समान कानून ये सिस्टम हमें चाहिए इसलिए मेरी ये लड़ाई है ना बल्कि संविधान के खिलाफ भी मेरी लड़ाई नहीं है बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेड के खिलाफ मेरी मेरी लड़ाई नहीं है संविधान में 372 ये जो कलम है इस कलम के अंदर ऐसा कहा है कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे तीन जो कानून है ये अंग्रेजों के जमाने के कानून है और उसके बाद में मैं आहार बताता हूँ कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म जैन धर्म इनको कोर्ट में से जाके डिवोर्स लेना पड़ता है उनको चार साल लगता है पाँच साल लगता है और इस्लाम धर्म के व्यक्ति को एक मिनट के अंदर तलाक 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 हो जाता है और रही हम एक जगह पे बात करते हैं स्त्री पुरुष समानता की स्त्री को सिर्फ फोर का अधिकार है पुरुषों को क्यों नहीं है इस्लाम धर्मों को क्यों नहीं है यह विषमता क्यों प्रस्तावित हो गई है हमारे देश के अंदर हमारे हिंदू मंदिर के ऊपर आप प्रशासक बैठाते हैं उनका चंदा इकट्ठा करते हैं और वही चंदा मस्जिद को आप बांटते हैं मदरसे को देते हैं हर जगह पे हर सिस्टम को वो चंदा ऐसा वितरित होता है वो चंदा हमारे हिंदू धर्म के प्रचार के लिए क्यों नहीं यूज करते हैं आपको अगर करना ही है आपको अगर हमारे हिंदू के मंदिरों का पैसा लेना है तो आप मस्जिदों का भी पैसा लीजिए जो डोनेशन के रूप में आते हैं चर्च का भी पैसा लीजिए और मुसलमानों को घर बैठे डिवोर्स मिलता है एक मिनट के अंदर हिंदू के मंदिर को मंदिरों के ऊपर का पैसा ये सरकार ले लेती है लेकिन मस्जिद का और इसके अंदर से चर्च के ऊपर हाथ लगाने की हिम्मत नहीं इनकी वहां पे मदरसे के अंदर धर्म का प्रसार कर सकते हैं वहां पे कुरान पढ़ा सकते हैं लेकिन हमारे हिंदू के मंदिर के अंदर गीता हमारी पढ़ा नहीं जा सकती है मनुस्मृति हमारी पढ़ा नहीं जाती है और मनुस्मृति के अंदर जो सिद्धांत वाले हैं पूरा वर्ल्ड मनुस्मृति के ऊपर चल रहा है देश को आज मनुस्मृति की जरूरत है क्योंकि मनुस्मृति ने कर्म के अनुसार चार वर्ण बताया है कर्म के अनुसार बल्कि जन्म के अनुसार नहीं जन्म के अनुसार जाति निर्माण की है हमारे देश के प्रस्थापित आदरणीय संविधान ने मनोप स्मृति ने बताया है कि सबसे बुद्धिमान लड़का ब्राह्मण होता है शक्तिमान लड़का जो क्षत्रिय होता है जो व्यापार करने वाला लड़का वैश्य होता है और माँ बाप की सेवा करने वाला धर्म की सेवा करने वाला राष्ट्र की सेवा करने वाला शूद्र ऐसा उन्होंने किया है शूद्र सबसे ऊपर है क्योंकि सेवा करता है देश का लेकिन कुछ लोगों ने हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए ऐसी झूठी झूठी कथाएं पेश की है कि आपता थी ये थी वो थी ऐसा था अभी हमें पीछे का देखना है कि आगे का भविष्य देखना है हमें हमारे देश का भविष्य देखना है मैं चाहता हूं कि बौद्ध हो हिंदू हो सिख हो जैन हो इनका पूरा जन्म हिंदू धर्म से हुआ है हम सब एक ही है हम अलग नहीं हैं लेकिन कुछ राजनेता अपनी चपाती छने के लिए अपनी रोटी पकाने के लिए अपनी वोट बैंक निर्माण करने के लिए जनता को भयका रही है तो मैं आपके माध्यम से वही कहना चाहती हूँ कि मैं मुझे संविधान के प्रति आदर है और मेरा सिर्फ ये जो विषमता हमारे देश के अंदर है ये आरक्षण है ये राजकीय आरक्षण है ये खत्म होना चाहिए एजुकेशन हमारे देश के अंदर एक ही लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए केवल हिंदी 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 तीन भाषा के अंदर हमारे देश के अंदर एजुकेशन होता है मराठी हो गया हिंदी हो गया इंग्लिश हो गया छोटे बच्चे के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार है वो अमेरिका में जो शिक्षा प्रणाली है एक भाषा चीन में वही है जापान में वही है जर्मनी में वही है हर राष्ट्र के अंदर लगभग भाषा के अंदर शिक्षा प्रणाली है ये राष्ट्र अविकसित हो जाए इसलिए बहुभाषा सिद्धांत लिया गया है और इसी की वजह से हमारे फिफ्टी परसेंट अशिक्षित जनता है और ये लीडर लोग उनको बहकाते हैं उनको गुणवत्ता को प्राधान्य देना चाहिए जब गुणवत्ता गुणवत्ता के ऊपर हमारा देश चलेगा तब हम अमेरिका से के सरके श्रीमंत हमारा राष्ट्र हो जाएगा हाँ ओटो की राजनीति नहीं होना चाहिए नोटो की राजनीति होना नहीं चाहिए आज बौद्धिक वर्ग है हमारा देश छोड़ के जा रहे हैं ये बहुत गंभीर बात है आ, आपने कहा कि ये देश जो है वो महात्मा गांधी के विचारों से आज़ाद नहीं हुआ है लेकिन आज पूरे देश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है और आप इकलौते ऐसा आलहदा व्यक्ति हैं जो नाथुराम गोडसे की पूजा करते हैं जिन्होंने गांधी को मारा क्या विचारधारा इसके पीछे है आपकी आखिर जिसको राष्ट्र मानता है कि उन्होंने हत्या की आप उनको पूछते हैं क्या क्या कहना चाहेंगे पहले एक बात आप गलत बात की है कि हत्या शब्द का प्रयोग ना करें उन्होंने वध किया है क्योंकि वो हिंदू धर्म के खिलाफ उन्होंने ऐसा कार्य किया था गांधी ने और वो जायज़ है क्यों जायज है हमारे भगवान श्रीकृष्ण ने सगे मामा का वध किया क्योंकि वो अधर्म ग्राह के ऊपर चले थे महाभारत में भी देखो पांच पांडों की विजय हो गई वहाँ पे संख्या बल नहीं गिना, गिना गया वहाँ पे पांडव की विजय हो गई थी भगवान कृष्ण हो गए हमारे भगवान राम हो गए राम ने रावण का वध किया रावण तो बुद्धिमान व्यक्ति था सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति था रावण को आज भी तमिलनाडु के अंदर साउथ में पूजा जाता है क्योंकि वो अधर्म के ऊपर चले करके उनका वध करना पड़ा हमारे धर्म के अंदर हर भगवान ने वध किए हैं ऐसा एक भगवान नहीं उन्होंने वध नहीं किया है क्योंकि खटमल और मच्छर दिखते हम मार डालते हैं अगर कोई हमारे देश का खून पीता है हमारे राष्ट्र का खून पिता है उन्हें खटमल और मच्छर का तुरंत मार देना चाहिए ऐसी नीति हमारे अगर देश की रही तो हमारा देश में आतंकवाद मूल से नष्ट हो जाएगा हमारे सैनिक मर रहे हैं कोई सिरेज नहीं है यहाँ पे हरा आतंकवाद इतना बढ़ रहा है हमारे देश के अंदर कोई सिरेज नहीं है सब वोट बैंक के ऊपर जा रहे हैं वोट बैंक के ऊपर चाहिए मुझे हमारे देश के अंदर ये बहुसंख्यय जो राष्ट्रीय सिस्टम है ये नहीं चाहिए देश में सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टी रहेंगी जैसे इंग्लैंड में है जैसे अमेरिका में है द्विपक्षीय राष्ट्रीय प्रणाली हमारे देश का विकास कर सकती है और हम एजुकेशन के अनुसार हमें ओट, ओट होना चाहिए वोटिंग अधिकार होना चाहिए जो डबल डिग्री है उनको दो वोटिंग अधिकार होना चाहिए जो डिग्री वाले हैं उनको डेढ़ वोटिंग का अधिकार होना चाहिए तो दसवां वर्ग का पास है उनको आधा वोटिंग का अधिकार होना चाहिए हमारा देश हंड्रेड साक्षर होने के लिए ऐसी सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है असली सवाल अभी भी रह गया कि फिर आपका गोड से क्यों पूछते हैं आपने कहा कि वध किया उन्होंने तो क्या ये वध करना जरूरी था गांधी का तो क्या इससे गांधी के विचार खत्म हो गए वध करने से देखिए हमारे देश के सच्चे राष्ट्रपिता नथुराम गोड़से है राष्ट्रपिता उपाधि गांधी को किसी ने नहीं, नहीं दी है गांधी हमारे हमारे देश के शत्रु थे मित्र नहीं थे वो पाकिस्तान के मित्र थे जिना के मित्र थे हाँ तो उनको नेहरू को भी जैसे हमारे देश की जो बंटवारा की वजह मेन है गांधी है गांधी गांधी को नहीं पूछना चाहिए हमें गांधी ने हिंदू को सिर्फ अहिंसा पढ़ाई वाली है बाकी धर्मों को अहिंसा का समर्थन किया है गांधी जी ने और गांधी जी अगर रहते थे तो कम से कम हमारे देश के अंदर हर कम से कम चार से पांच टुकड़े होते थे हमारे देश के अंदर नथुराम गोडसे को क्या जरूरत थी नथुराम गोडसे हमारे महाराष्ट्र का गौरव है बारामती का सबसे बड़ा सपुत्र है बारामती गांव के अंदर उनका जन्म हो गया है हमें गर्व होना चाहिए उसी राष्ट्रवादी के अमोल कोल्ले ने नथुराम जी की जो भूमिका की है हो सकता है शरद पवार के कहने के ऊपर की है उन्होंने क्योंकि उनको भी गर्व है शरद पवार जी को भी वो हमारे बारामती के है उनको भी अभिमान है अभी हर पार्टी गोड़से धारा की तरफ जा रही है और जाना चाहिए गोड़से के विचार सर्वश्रेष्ठ विचार है देश के अंदर गोड़से के रहा और उसका मार्ग से हमारा देश की उन्नति हो सकती है प्रगति हो सकती है एक चीज़ जो अभी उभर कर आई है सामने आपने तमाम पहलुओं को जो देखा कि अभी आपके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की गई है क्या लग रहा है आपको ये पूरी तरह से पॉलिटिकल एक तरह का स्टेप है या पॉलिटिकल सारा स्टंट है या कुछ और भी है इसके पीछे जो आपके खिलाफ इस तरह की मोर्चाबंदी चल रही जी मैंने पहले बताया है कि मेरे ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाना हास्यास्पद है देश के खिलाफ में मेरे सर का देशभक्त और देश अभिमानी मैं अपने आप को मानता हूँ और मुझे गौरव भी किया है बहुत से लोगों ने कि मैं जी को चाहता हूँ क्योंकि उनके राष्ट्रपति को मैं सलाम करता हूँ सैल्यूट मारता हूँ क्योंकि ये जो ये स्टंटबाजी है केवल मीडिया में चमकने के लिए अजय सिंह सेंगर को देश के अंदर डालो अजय सिंह सेंगूर को डालो मैंने ऐसा गलत गलत बयान दिया ही नहीं किधर किसी मीडिया वाले ने तोड़ मरोड़ कर वो पेश किया है मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर शिरोमणि महाराणा जी प्रताप इनके मार्ग के ऊपर चलने की आज जरूरत है और देश में बदलाव की जरूरत है बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है देश के अंदर राजकीय सिस्टम से लेकर हर सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है अभी आरक्षण खत्म करना चाहिए आरक्षण क्योंकि एस सी वाले को लोकसभा के अंदर विधानसभा के अंदर उनको अगर जगह दी है वो तो वही से लड़ सकते हैं ओपन के अंदर भी एस सी एस टी वाला लड़ लड़ सकता है क्यों लड़ सकता है उनको भी उनको बैन करना चाहिए फिर इधर साइड में अंदर सबको समान अधिकार समान हक समान कानून इस न्यू के ऊपर हमारा देश चलेगा तो हमारा देश बचेगा हमारे देश का विकास होगा हमारे देश के अंदर मेरी लड़ाई है समान अधिकार समान कानून के तहत है मेरे इसमें वो प्रस्तावित होने का हमारे देश के अंदर में इस वक्त जो देश में सरकार चल रही है उसे ये माना जाता है एक तरह का नैरेटिव है कि मोदी सरकार हिंदुत्ववादी है और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रयास भी चल रहे हैं आपकी भूमिका आपका आपका खुला एक तरह का अभियान है कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए इस सरकार की भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं और अपनी भूमिका को आप किस तरह से डिफाइन करें हाँ जी हमारा देश तो हिंदू राष्ट्र ही है ना उसमें डिक्लेयर करने की हिंदू राष्ट्र ही है हमारा देश लेकिन जिस देश में हमारे देश आज़ाद हो गया उस समय कुछ हिंदू विरोधी ताकतें ये नेहरू की सरकार के अंदर थी इन्हीं की वजह से हिंदू विरोधी कुछ कानून लाए गए वाले है अभी हमें वो ख़त्म करना है हमें हमें अंग्रेज़ों के जो कलम आ, तीन है वो कलम को नष्ट करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर अंग्रेजों के ज़माने के तीन अगर, जो कानून है वो कानून रद्द करना चाहिए क्योंकि हमने क्यों नहीं बनाए कानून संविधान तो सिर्फ बीस दिन के अंदर लिखा लिखा है आप संविधान की हिस्ट्री पढ़ लीजिए mm. संविधान बनाने के लिए चार करोड़ तीस लाख रुपए लगे हैं चार करोड़ तीस लाख उस जमाने के अंदर mm. तो ये तो इंडिया एक्ट है नाइनटीन थर्टी फाइव को जो इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था उसकी तो कॉपी टू पेस्ट इन लोगों ने ज्यादा कर, ज्यादा करके वही बनाए वाला है उसके अंदर उसमें mm. खुद का खुद की सोच खोज क्या है हमारे देश के अंदर हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा है आज झोपड़पट्टी के अंदर कौन है कौन सा समुदाय है झोपड़पट्टी के अंदर सामने क्यों नहीं आ रही सबसे ज्यादा गरीब लोग झोपड़पट्टी में जो आज तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे हमारे देश का विकास क्यों नहीं हो रहा है इसकी वजह यही है कि एजुकेशन एजुकेशन हमारे देश के अंदर एक ही लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए केवल हिंदी 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 तीन भाषा के अंदर हमारे देश के अंदर एजुकेशन होता है मराठी हो गया हिंदी हो गया इंग्लिश हो गया छोटे बच्चे के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार है वो अमेरिका में जो शिक्षा प्रणाली है एक भाषा चीन में वही है जापान में वही है जर्मनी में वही है हर राष्ट्र के अंदर लगभग एक ही भाषा के अंदर शिक्षा प्रणाली है ये राष्ट्र अविकसित हो जाए इसलिए बहुभाषा सिद्धांत लिया गया है और इसी की वजह से हमारे फिफ्टी परसेंट अशिक्षित जनता है और ये लीडर लोग उनको बहकाते हैं उनको एक आखिरी सवाल सर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन आपके खिलाफ चल रहा है और जिस तरह की चेतावनी दी गई है प्रशासन को कि आपके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए आपका अपना प्रतिरोध क्या होगा क्या भूमिका आपकी होगी देखिए मैं संविधान का सम्मान करने वाला हूँ आदर करने वाला इंसान हूँ मेरे आ, मेरे खिलाफ़ में जो स्टंडबाजी स्टंडबाजी बोलता हूँ मैं उसकी वो उस चुनाव के लिए स्टंडबाजी है जिन्होंने मोर्चा आयोजित किया है वो अभी आ, चुनाव है उनको अपनी रोटियाँ सिखानी है अपनी पार्टी बढ़ानी है उसलिए वो मेरा यूज़ कर रहे हैं मैंने तो किसी ने बताना कि वह अजय सिंह सिंगर देशद्रोही है ऐसा एक सबुदे सबुदय है मेरे मेरे खिलाफ में मैंने ऐसा कौन सा ऐसा काम किया है कि मैंने इतना ही बोला कि देश के संविधान से अंदर अकबर और तुम टिप्पू सुल्तान की प्रतिमा नहीं होना चाहिए कि ये कहीं ना देशद्रोह है क्या हमारे देश के अंदर जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया हमारे हिंदू के ऊपर अत्याचार किए हमारे महिलाओं के ऊपर नारी के ऊपर रेप किए उन जुलमी शासक का फोटो अगर संविधान के अंदर निकालने की अगर बात मैंने कही है ये देशद्रोह नहीं है ये देश प्रेम है राष्ट्र के प्रति हिंदू के प्रति हमारे देश के प्रति ये मेरा सबसे बड़ा प्रेम है और ये जो कहते हैं कि मुझे देशद्रोही सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट चलाना है और हमारे जनता जनता को है, दली को बहकाना बहकाना है है दलित बहुत बहुत थैंक यू आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया जैसा आप सुन रहे थे महाराष्ट्र कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह सेंगर जी को इनके बयान से जो विवाद जो पैदा हुआ है उस पर उन्होंने बहुत ही साफ गोई से जवाब दिया और उनका सीधा तौर पर कहना है कि जो देश के खिलाफ थे जिन्होंने देशवासियों का कत्लेआम किया जिन्होंने देश को लूटा उनका संविधान में उन्हें महान पुरुष बताना और महिमा मंडित करना ये सीधे तौर पर उनका विरोध है और इसीलिए ये कहते हैं कि इस देश में इस तरह के बदलाव होने चाहिए कि जो सूरवीर हैं जो शौर्य के साथ जिन्होंने देश की रक्षा की है महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और संविधान में जरूरी बदलाव भी करने चाहिए कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा टीवी वन इंडिया नवी मुंबई लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत